टू माई यूट्यूब चैनल दोस्त। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस तरह का डार्क एंड ब्राउन फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी HD क्वालिटी में। तो जो आप देख ही रहे हैं तो वो सिर्फ लाइट रूम के अंदर। तो सबसे पहले आपने अपने फ़ोटो को कर लेना है शेयर लाइट रूम के अंदर। ये रहा हमारा फोटो। तो उसके बाद आपने चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पर। चीप को थोड़ा सा आपने कर देना है, बढ़ा देना। उसके बाद टेंट को आपने थोड़ा सा कम कर देना है। कवरेज को आपने थोड़ा सा कम कर देना। सिचुएशन को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना। उसके बाद आपने आना ऊपर कलर वाले ऑप्शन पर इधर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आना है, इधर आपने अपने फेस को गोरा करना है। तो आपने इसको माइनस कर देना है, इसको बढ़ा देना है। अब आना है आपने येलो कलर में, इसको आपने फुल्ली माइनस कर देना है, इसको भी माइनस कर देना है। आपने ग्रीन पर इसको सिचुएशन को माइनस कर देना है, हेड को भी माइनस कर देना है। उसके बाद आपने डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आना है लाइटिंग पर। इधर आपने अपने लाइट फोटो की लाइट को सेट करना, कंट्रास्ट को थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है, हाईलाइट को थोड़ा सा आपने कम कर देना है, शेडो को भी आपने कम कर देना है। उसके बाद आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने इसको आपने थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद आपने चले जाना है फिर से कलर वाले ऑप्शन पर। उसके बाद आप जाना है जो आपको नज़र आ रहे हैं 3 डॉट नज़र आ रहे हैं ये वाले, इस पर आप कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपने इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जाना है ये तीसरे नंबर पर जो इफेक्ट आ रहा है ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने फ़ोटो को आपने से मैचिंग करना है। ये मेरा फोटो, ये देखो कितनी अच्छी तरीके से मैचिंग हो गई। आपने इस तरह का अपने फ़ोटो को मैच करना और डन पर क्लिक कर देना है। डन में क्लिक करने के बाद शेयर वाला ऑप्शन की क्लिक करना है और अपने फ़ोटो को कर लेना है सेव। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।